स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह यादव, बायोलॉजी टीचर्स। मुझे पता है कि लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, उसके लिए मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास कक्षा 12 के लिए। साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम आज 12 क्लास की बायोलॉजी का पाठ्यक्रम का के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम बायोलॉजी का दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट में वनस्पति विज्ञान को पढ़ते हैं, जिसको हम बॉटनी कहते हैं। दूसरे पार्ट में जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंदर पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें से पहली इकाई है आवर्त बीजी पादपों में जनन हुआ विकास। इसके अंदर हम आवर्त बीजी जो पादप है उसमें कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और उसके युग्मनज विकास के बारे में। उसी के साथ इकाई में दूसरी इकाई आती है पादप कारिकी। पादप कारिकी हमारे वनस्पति में दो भागों में बांटी हुई है, पादप कारिकी फर्स्ट, पादप कारिकी सेकंड। इसको इंग्लिश में प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। पादप कारिकी फर्स्ट के अंदर पादप जल संबंध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विसरण है, जल संबंध है, दाब न्यूनता है आदि पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड यानी पादप कारिकी सेकंड के अंदर पादपों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादपों में उत्सर्जन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी इकाई आती है थर्ड, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी। ये एक भारत में अंदर नई टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर भारत में जो भी जैव प्रौद्योगिकी के अंदर अंदर क्षेत्रों में क्या क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जैसे प्लाज्मिड है, क्लोनिंग वेक्टर वगैरह है और इसकी पादप उत्तक संवर्धन वगैरह, वो जैव प्रौद्योगिकी इकाई में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है चौथी इकाई। चौथी का मतलब ये चौथी इकाई है, पर ये इकाई सिलेबस के अंदर 5वीं इकाई कहलाती है, आर्थिक वनस्पति एवं मानव कल्याण। मतलब वनस्पतियों में क्या क्या आर्थिक आ रहे हैं साधन है और ये मानव के लिए क्या क्या कल्याण है। इसके अंदर हम फाइबर्स यानी पादप औषधियां, रेशे और मानव के क्या क्या कल्याण, जैव ऊर्जा और प्रतिपालनीय कृषि, कृषि के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। किसके बारे में? कृषि के बारे में। 12th के पाठ्यक्रम का दूसरा पार्ट है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। इसके अंदर भी कम से कम 5 इकाई में, सिलेबस को 5 इकाई में बांटा गया है, जिसके अंदर पहला है मानव कार्य की फर्स्ट। मानव कार्य की फर्स्ट मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इस टॉपिक के अंदर हम मानव की त्वचा, मानव का पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें इकाई 6 है मानव कार्य की सेकंड। मानव कार्य की सेकंड के अंतर्गत जो मानव कार्य की फर्स्ट के अलावा जो टॉपिक बच जाते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र है, संवेदी अंग के अलावा कुछ तंत्रिकाएं हैं जिसमें मस्तिष्क वगैरह, मेल रज्जु वगैरह पूरा पार्ट आ जाता है। और उसके अलावा इसके अंदर हम मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन, समन्वय के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इकाई नंबर 7 मानव भ्रूण की। इसके अंदर मानव के जन्म से संबंधित युग्मनज के परिवर्धन, गैस्टुलेशन, निषेचन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद आता है अनुवांश की। इकाई नंबर 8 आती है अनुवांश की एवं जीनोमिक। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसके अंदर अनुवांशिक के नियम, मेंडल के नियम, अनुवांशिकता से संबंधित रोग और कुछ जीनोम की संरचनाओं का अध्ययन किया जाएगा। नवीं इकाई है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। इसके अंदर जनसंख्या से संबंधित चीजों के, जनसंख्या का विस्फोट किस तरह हो रहा है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है और बाकी कल्याण स्वास्थ्य, कुछ रोग एसटीडी रोग वगैरह, लैंगिक जनन रोग रहने वाले और स्वास्थ्य, कुछ मानव से संबंधित जांचें की जाएंगी, जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, ईसीजी वगैरह आदि आदि, वो मानव कल्याण और स्वास्थ्य में की जाएंगी। 12th बायोलॉजी के पाठ्यक्रम में
वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के अंदर जो इकाइयां सबसे महत्वपूर्ण है वो निम्नलिखित है। वनस्पति के अंदर पादप कार्यकी वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक नंबर का आता है। जंतु विज्ञान के अंदर मानव कार्यकी के जो टॉपिक है फर्स्ट और सेकेंड इकाई, और उसके बाद मानव भ्रूण की, ये टॉपिकों को अच्छी गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से अच्छे स्कोर करने के चांस रहते हैं। जैसा कि ट्वेल्थ के पाठ्यक्रम के अंदर जंतु विज्ञान की कुछ इकाइयां इंपोर्टेंट अधिक है, इसलिए हम सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जंतु विज्ञान का मानव कार्य की मतलब फर्स्ट इकाई के कुछ टॉपिकों का अध्ययन करेंगे।